भगवान कौन? भगवान किसे कहते हैं? क्या आदमी भगवान हो सकता है? यदि आदमी भगवान नहीं हो सकता तो आपको और कहीं अलग भगवान मिलने वाला है नहीं। भगवान शब्द सुनते ही आदमी कल्पना करने लग जाता है एक ऐसी सत्ता के बारे में जिसके लिए कहा जाता है कि वह दुनिया का बनाने वाला है और उसी के चलाने से दुनिया चल रही है। इसके मूल में क्या है? सत्ता के बारे में नासमझी, भ्रम। पूरी दुनिया में दो प्रकार की सत्ता है, दो तत्व, मौलिक तत्व हैं जिन्हें हम अपनी सामान्य देहाती भाषा में जड़ और चेतन कहते हैं। दार्शनिक भाषा में प्रकृति और पुरुष कहते हैं। उसी को मैटर और सोल कहते हैं। दुनिया में कहीं जाए जो भी आपको मिलेगा जड़ और चेतन इन दोनों के गुणधर्मों से संयुक्त ही पदार्थ मिलेगा। या तो ऐसा पदार्थ मिलेगा जिसमें जड़ के गुणधर्म हो, जड़ता के लक्षण हो, या ऐसा पदार्थ मिलेगा जिसमें चेतना के चेतन के लक्षण हो, चेतना गुण हो। जड़ और चेतन इन दोनों के लक्षणों से अलग आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और किसी भी पदार्थ की सिद्ध उसके गुणधर्मों से लक्षणों से ही होती है। लक्षणा प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही, लक्षण प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। जड़ और चेतन दोनों का नियामक अलग कोई सत्ता है तो उसका गुण क्या है, उसका लक्षण क्या है? कोई गुण या लक्षण तो होगा ना उसका। बिना लक्षण और गुण धर्मों के सिद्धि कैसे होगी उसकी? इसलिए आपको जो कुछ मिलेगा
या तो जड़ तत्वों के गुणधर्मों से युक्त मिलेगा, या चेतन जो जीव है उसके गुणधर्मों से युक्त मिलेगा। इन दोनों से अलग कुछ नहीं मिलेगा। और जड़ और चेतन दोनों नित्य है, मौलिक है, स्वयंभू है, क्योंकि मैटर नित्य होता है, मूल द्रव्य नित्य होते हैं, मूल का मूल नहीं होता। मूले मूलाभावाद मूलम मूलम, मूल में मूल का मूल न होने से मूल अमूल होता है। जैसे पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती, जड़ बिना जड़ के होती है, ऐसे ही मूल भौतिक द्रव्य का और अलग कोई मूल नहीं होता, वो नित्य अनादि है। अब जब द्रव्य अनादि है तो उसके गुणधर्म भी अनादि हैं, नित्य हैं, स्वभाव सिद्ध है। कोई भी मूल द्रव्य, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो, बिना गुणधर्म के हो नहीं सकता। तो जब मूल द्रव्य नित्य है, उनके गुणधर्म नित्य हैं, तो उनके गुणधर्मों से संसार भी तो नित्य होगा। फिर अलग बनाने वाले की कल्पना करने की आवश्यकता क्या आ गई? लोग मूल द्रव्यों को स्वतंत्र निष्पक्ष होकर समझना नहीं चाहते। शुरू से ही, पहले से ही एक सत्ता उसके ऊपर थोप देते हैं, और फिर उसके आयाम में ही उसका वर्णन चित्रण करते हैं, निरूपण करते हैं, तो गड़बड़ी तो आएगी ही। स्वतंत्र होकर चिंतन करें, निष्पक्ष होकर के, तो जो चिंतन होगा सही चिंतन होगा। तो मूल द्रव्य नित्य, मूल द्रव्यों के गुणधर्म नित्य, और उनके गुणधर्मों से संसार नित्य। बनाने वाले की क्या जरूरत पड़ गई? लोग कहते हैं बिना बनाए तो कोई चीज नहीं बनती। मकान अपने आप थोड़े बन गया, कोई बनाने वाला इसका है? गाड़ी अपने आप थोड़े बन जाती है, बनाने वाला होता है। हर चीज का बनाने वाला होता है, बिना बनाए कोई चीज नहीं बनती। ऐसे ही आखिर कोई दुनिया का बनाने वाला भी तो होगा। ठीक है, चलो मान लेते हैं बिना बनाए कोई चीज नहीं होती, हर चीज का बनाने वाला कर्ता विधाता होता है, तो दुनिया का भी बनाने वाला होगा कर्ता। वो कौन? भगवान, परमात्मा, ईश्वर, खुदा, गॉड। अब थोड़ा सा सोचो, बिना बनाए कोई चीज नहीं बन सकती, तो भगवान का बनाने वाला कौन हुआ फिर? आपकी ही बात है, आप स्वयं कह रहे हैं कि बिना बनाए कोई चीज नहीं बनती, आखिर दुनिया है बनाने वाला होगा। ठीक है, दुनिया का बनाने वाला भगवान है, भगवान का बनाने वाला कौन? उसका कोई बनाने वाला होगा ना। और जिसने भगवान को बनाया उसका बनाने वाला कौन? और जिसने उसको बनाया उसको बनाने वाला कौन? कोई इति होगी? आप कहोगे
कि भगवान तो बिना बनाए हैं, तो दुनिया बिना बनाए क्यों नहीं हो सकती? फिर जड़द्रव्य बिना बनाए कैसे नहीं क्यों नहीं हो सकता? दुनिया नहीं थी। चलो, कुछ नहीं था, न मिट्टी थी, न पानी था, न हवा थी, न आग थी, कुछ नहीं था। तो भगवान ने मिट्टी को किस चीज से बनाया? मिट्टी तो पहले थी ही नहीं, दुनिया थी ही नहीं। तो दुनिया, भगवान ने दुनिया बनाई तो किस चीज से बनाई? कोई आधार होगा ना। हलवाई को कह दो कि तुम मिठाई बनाओ, लेकिन हलवाई को चीनी मत दो, खोवा मत दो, कड़ाही मत दो, चूल्हा मत दो, आग मत दो, और कहो तुम्हें मिठाई बनाना है, कैसे बनाएगा? मिठाई बनाने के लिए चीनी, खोवा, चूल्हा, करछुल, कड़ाही, ईंधन, इन सब की आवश्यकता होगी ना। तो भगवान ने दुनिया बनाई तो मिट्टी को किस चीज से बनाई? मिट्टी तो थी ही नहीं। तो जिस चीज से मिट्टी बनाई गई वो चीज पहले सिद्ध हो गई, तो भगवान को बनाने के पहले। हवा को भगवान ने किससे बनाया? कोई तो होगा कारण। तो जिससे हवा को भगवान ने बनाया वो चीज तो पहले से है ना, सिद्ध है। तो चीज कहाँ थी? भगवान ने जिससे मिट्टी को बनाया, तो मिट्टी जिससे बनी वो चीज कहाँ थी? दुनिया तो थी ही नहीं, आखिर कहाँ रखी थी वो चीज? कोई जगह तो होगी उसकी। बिना मतलब के लोग कहते चले जाते हैं, दोहरा रहे हैं, एक दूसरे सुनते 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 कि दुनिया को बनाने वाला भगवान, दुनिया को चलाने वाला भगवान। देखा है आपने? मुलाकात हुई है भगवान से? थोड़ा सा विचारो, आपके गुरु ने क्या कह दिया है, आपके शास्त्रों में क्या लिखा है, परंपरा क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं। सबको आदर दो, लेकिन आंख मूंद करके नहीं, विवेक पूर्वक। और विवेक पूर्वक जो बात सिद्ध हो उस बात को स्वीकार करो। जड़ द्रव्य नित्य, उनके गुण धर्म नित्य, और उनके गुण धर्मों से जगत नित्य। क्यों? क्योंकि कोई भी मूल भौतिक द्रव्य बिना क्रिया के रह नहीं सकता है। द्रव्य और गति, ये नियम है। जो भी भौतिक द्रव्य है उसमें गति है, गति में क्रिया है, क्रिया में गति है। और जब मूल भौतिक द्रव्यों में गति है, क्रिया है, तो गति और क्रिया से एक भौतिक द्रव्य का दूसरे भौतिक द्रव्य से संबंध होता है, बस उसमें बनना बिगड़ना चल रहा है निरंतर, उसको स्वभाव है। कोई भौतिक द्रव्य बिना गति और क्रिया के रह नहीं सकता। और जिस क्षण भौतिक द्रव्य ने अपनी गति क्रिया को छोड़ा, उस समय पूरा संसार समाप्त, रह ही नहीं सकता। तो भौतिक द्रव्य नित्य, उनके गुणधर्म नित्य, उनमें गति और क्रिया नित्य, तो उनके गति और क्रिया से दुनिया नित्य, अनंत ब्रह्मांड नित्य है। अलग से बनाने वाले की कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं इसलिए आपको नहीं मानना है, स्वयं सोचना इस पर, किसने क्या कहा सब भूल जाए, आपका विवेक क्या कहता है,
इस पर ध्यान दें। मेरा प्रश्न है, भगवान कौन, भगवान किसे कहते हैं, और क्या आदमी भगवान हो सकता है? आदमी ही भगवान हो सकता है, आदमी के अलावा और कोई भगवान हो नहीं सकता। भगवान किसे कहते हैं? मैंने कहा भगवान मतलब दुनिया को बनाने वाला, कल्पना, अंधविश्वास, कहते सुनते लोग मानते चले आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कृतार्थ हो गया, शुद्ध बुद्ध निर्मल निर्विकार, वह भगवान है। भग्न कर दिया है वान जिसने, उसे कहते हैं भगवान। भग्न का अर्थ होता है तोड़ देना, काट देना, समाप्त कर देना। वान का अर्थ होता है बंधन। विवेक विचार संयम साधना द्वारा जिसने अपने जीवन मन के सारे बंधनों को काट कर समाप्त कर दिया, जिसके बंधन नष्ट हो गए, वो भगवान हो गया। भगवान था, भगवान है, लेकिन अज्ञानवश भटक रहा था बाहर, बंधनों में पड़ा हुआ था। मूल में भगवान है ही। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, परिद्याव पृथ्वी सद्धित्व परिलोकान परिदिशः परिश्व ऋत सतंतुम विदतम विचेते तत्पश्चात तद्भव तदाशीत। परिद्यावा पृथ्वी, परिदिशा परिश्व, परि उपसर्ग है। परि उपसर्ग शब्द की विशेषता बढ़ा देता है। परि का अर्थ है संपूर्ण, द्यावा पृथ्वी स्वर्ग अंतरिक्ष, सब में ऋषि परि उपसर्ग लगाते हैं। संपूर्ण अंतरिक्ष, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण स्वर्ग, संपूर्ण पृथ्वी कह लो। किसी का मोबाइल बज रहा है, बार बार कहा जा रहा है ना मोबाइल नहीं लाना है। जिनका मोबाइल बढ़ता हो उठ करके बाहर चले जाओ। किसका मोबाइल है उठाओ उसको वहां से। करमचंद जाओ देखो किसका मोबाइल बज रहा है, उसको उठा के बाहर करो। फिर नहीं आना है भीतर तुमको। अब तुमको मैं कह रहा था, ऋषि द्यावा पृथ्वी अंतरिक्ष स्वर्ग सब में पर उस लगाते हैं और कहते हैं ऋतस तंतुम विदतम। रीत के तंतु सर्वत्र फैले हुए हैं, रीत नियम, प्रकृति के नियम। रीत शब्द के वेदों में तीन अर्थ माने गए हैं मुख्य।
एक प्रकृति का नियम, दूसरा नैतिकता के नियम और तीसरा यज्ञ का विधान। यहाँ अर्थ है ऋतस्य तंतुम विदितम, पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक सब में रीत के तंतु फैले हुए हैं। उसको जो चीर लेता है, चीर लेता मतलब समझ लेता है, फाड़ कर अलग कर देता है, समझ लिया, अब नियम पूर्वक जीवन जीता है, मतलब पूरी प्रकृति का मुंह छोड़ दिया, जड़ तत्वों के गुणधर्मों को समझकर, अपने स्वरूप के गुणधर्मों को समझकर, सबके मुंह को जितनी छोड़ दिया, वह तदपश्यत तद्भवत तदाशीत, उसको देख लेता है, तदपश्यत तद उसको, पश्यत देखना, उसको देख लेता है, किसको देखता है, भगवान को, ब्रह्म को, परमात्मा को देख लेता है। तो देखना मतलब अलग है, वह देखता है मतलब हम उससे अलग है, देखता है अलग है। किन कहते हैं, ऋषि कहते हैं आगे, तदासीत वो वही था ही, पहले कहते हैं ऋषि कि भगवान को देख लेता है, परमात्मा को देख लेता है, फिर कहते हैं वो परमात्मा था ही, था मतलब नहीं, तत्पश्चात तदासी तद्भवत, वह भगवान परमात्मा हो जाता है, तो हो गया तो होना भी नकली हो जाएगा, कोई राजा हो गया तो फिर हट भी सकता है, तब कहते हैं ऋषि तदासी तो वह राजा परमात्मा था ही। बात यह है कि आप परमात्मा स्वरूप हैं, आप स्वयं भगवान हैं, अपनी भगवत्ता को समझ नहीं पा रहे हैं, बस भगवत्ता को उद्घाटन कैसे होगा, भगवान हम हों कैसे। सद्गुरु कबीर की दो पंक्तियां और नानक साहेब की दो पंक्तियां, थोड़ी सी चर्चा इन दोनों पर। नानक साहेब बताते हैं कि भगवान कैसे होंगे, कौन है भगवान, कबीर साहब बताते हैं कि भगवान कौन है, किसे कहना चाहिए। कर विचार विकार परिहरी, तरन तारन सोए, कहें कबीर भगवंत भजनर द्वितीया और न कोए। नाना साहब कहते हैं सुख दुख जीव परसे नहीं, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुनरे मना सो मूरत भगवान। कर विचार विकार परिहरी, जिन्होंने विचार करके चिंतन करके विकारों का परित्याग कर दिया, पूर्ण निर्विकार जो हो गया, वह तरण तर गया दुनिया से। ये बाहर की दुनिया हमको बांधती नहीं है, बाहर की दुनिया अपनी जगह पर बनी रहे उससे हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमको बांधने वाली है हमारे भीतर की दुनिया, वह है हमारे मन का विकार। सद्गुरु कबीर ने कहा है इच्छा कर भव सागर, इच्छा कामना चाहना, ये भव सागर है, इच्छा कामना चाहना में सारे विकार आ जाएंगे। मन के विकारों को छोड़कर
और बाहर कहीं भव सागर नहीं है जिसे तैर करके पार होना हो। लेकिन साहब कहते हैं विकारों का परित्याग जिसने किया, कैसे किया? विचार करके किया, समझ करके किया। जब हम विचार करके ग्रहण करते हैं या विचार करके त्याग करते हैं तो उसमें स्थायित्व होता है। देखा देखी करते हैं या किसी के कहने समझाने से करते हैं उसमें स्थायित्व जल्दी नहीं आ पाता। गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे, लिखा है भी कहीं उन्होंने, जब हम किसी काम को श्रद्धा और समझ पूर्वक करते हैं तब उसमें स्थायित्व होगा। केवल श्रद्धा है तो स्थायित्व नहीं होगा, केवल समझ है तो स्थायित्व नहीं होगा। कैसे? जैसे मैंने कहा, मान लो मेरे प्रति किसी की श्रद्धा है, किसका प्रेम है, भक्ति भावना है, मैंने उससे कहा देखो तुम ये जो गलत काम कर रहे हो, ये गलत चीज खा रहे हो, गलत चीज पी रहे हो, ये ठीक नहीं है, छोड़ दो इसको। उसकी निष्ठा है मेरे लिए, प्रेम है। कहता ठीक है गुरुजी, आप कहते हैं तो छोड़ देता हूँ, मेरे कहने से छोड़ दिया क्योंकि श्रद्धा है, गुरु की बात माननी चाहिए, संत की बात माननी चाहिए, श्रद्धा है, छोड़ दिया। लेकिन समझ नहीं है, अंदर से निश्चय ये चीज गलत है, ये समझ नहीं है तो मेरे कहने से तो छोड़ देगा, दो चार छः दिन छोड़ देगा, महीना दो महीना छोड़ देगा। लेकिन जब संगत पड़ेगी तब फिर खाना पीना शुरू कर दिया, क्योंकि समझपूर्वक नहीं छोड़ा था वह। तो श्रद्धा, केवल श्रद्धा तो करेंगे तो स्थायित्व नहीं होगा, समझ है और श्रद्धा नहीं है। समझ तो है, श्रद्धा नहीं है, ये चीज गलत है, ये काम गलत है, नहीं करना चाहिए, ये समझ तो है लेकिन श्रद्धा नहीं है, तो छोड़ तो देगा। लेकिन जब संगत मिलेगी तो कह रहे यार तू भी कहाँ पड़ गया है, इतने तमाम चीज़ें हैं, खाने पीने खाते रहो, श्रद्धा नहीं है तो समय से वो फिर शुरू कर देगा खाना पीना। लेकिन श्रद्धा भी हो और समझ भी हो, दोनों का जब योग हो गया और विवेक पूर्वक जब किसी चीज़ को पकड़ा या किसी चीज़ को छोड़ा तो उसमें स्थायित्व तो होगा। इसलिए हर काम विवेकपूर्वक होना चाहिए। यहाँ सद्गुरु कबीर कहते हैं कर विचार विकार परिहरी, विचार करने के पश्चात अच्छी तरह से समझ और श्रद्धा के पूर्वक दोनों के मेल से जिसने अपने मन के विकारों का परित्याग कर दिया, धीरे 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 करते करते अपने को मांझते गए मांझते गए मांझते गए पूर्ण निर्मल हो गया, स्वच्छ मन इस फटिक पत्थर के समान। सद्गुरु कहते हैं तरण वो मुक्त हो गया, भाव से पार हो गया। ऐसा जो मुक्त पुरुष है वह दूसरों के लिए भी तारण होता है, तारण तारने वाला, पार लगाने वाला, क्योंकि वो जानता है कि बंधन कैसे बनते हैं, किन कारणों से बनते हैं, कैसे छूट सकता है। हमें तो ये भी पता नहीं है हम किस में बंधे हैं, कैसे बंधे हैं, क्यों बंधे हैं, बंधे हैं
लेकिन पता ही नहीं है। बहुतों को यह भी पता नहीं है कि मैं बंधा हुआ हूं। बंधन समझ में आना कठिन है। अब बंधन के कारणों को समझ लेना और कठिन होता है। तो हम बंधन में पड़े हैं, और बंधन में क्यों पड़ गए, कैसे पड़ गए, कहां बंधे हैं ये पता नहीं, तो छोड़ेंगे कैसे। जो मुक्त पुरुष है वो बंधन को भी समझता है और मुक्ति को भी समझता है। हम ना तो बंधन को समझ पा रहे हैं ना मुक्ति समझ रहा है। बंधन में है इसलिए मुक्ति को समझ तो होगी नहीं, मुक्ति का ज्ञान तो हमें होगा ही नहीं। बंधन का ही ज्ञान नहीं है तो मुक्ति का ज्ञान कहाँ से होगा। लेकिन जो तरण है, जो तर गया, विकारों को काट कर बंधन रहित तो हो गया, वह दोनों समझता है। पहले वो बंधन में था, तो बंधन में पड़ने से क्या व्यवस्थाएं होती थी, कैसी प्रतंत्रता होती, कैसी होती थी, कैसा आदमी लाचार हो जाता था, उसका अनुभव है। बंधन में पड़ने से क्या क्या दुख मिलता है, उसका अनुभव है। दुख था, अनुभव था, तभी तो बंधन से अपने को अलग करने के लिए साधना किया, और साधना करते करते विकारों को काट कर वो तरण हो गया, मुक्त हो गया। अब मुक्ति का भी अनुभव कर रहा है वह। बंधन का अनुभव उसे पहले था, बंधन जब पड़ा था तब, बंधन काट दिया अब मुक्त हो गया, तो अब मुक्ति का भी अनुभव हो रहा है उसको। तो वह व्यक्ति दूसरों को भी समझाता है, बताता है, और दूसरों को तारने वाला हो जाता है, क्योंकि उसके संसर्ग में आकर, उसका संपर्क पाकर, उसे प्रेरणा पाकर के अन्य लोग भी उसके समान हो जाते हैं। इसलिए वो तारण हो गया है, अपना भी तर गया और दूसरों को भी तरने में सहायक हो गया। सद्गुरु कबीर कहते हैं, ऐसा जो व्यक्ति है निर्विकार, निर्मल, निर्बंध, मुक्त स्वरूप, कहीं कबीर भगवान, वही भगवान है। भगवान का मतलब है निर्मलता, भगवान का मतलब है पवित्रता, भगवान का मतलब है निर्विकारता। हमारा और आपका स्वरूप ऐसा ही है, लेकिन न जानने के कारण हम बंधन में पड़ करके भटक रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। कहीं कबीर भगवंत भजुनर, ऐ लोगों, ऐसा जो मुक्त पुरुष है निर्मल, वो भगवान है। भजो, उसकी सेवा करो, उसकी उपासना करो। द्वितीया और न कोए, ऐसे निर्मल जीवन जो संत गुरुजन हैं उनको छोड़ करके तुम्हें तारने वाला भगवान और दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। जिसे भी मिला है, जिसे भी मिलेगा, मनुष्य के रूप में मिला है, मनुष्य के रूप में मिलेगा, और बस वो मनुष्य ही होगा हमारे जैसा। फर्क यह है कि हम बंधन में हैं और वो बंधन काटकर निर्बंध हो गया है। साहब कहते हैं, ऐसे निर्मल पुरुष की सेवा करो। संत महंतों सुमिरो सोई, जो काल फांसते बाँचा होई। ऐ संतों और महंतों, उनका सुमिरन करो, उनका भजन करो, जो काल की फांसी से बचा हुआ है। काल अविद्या, काल अज्ञान, काल वासना, काल हमारा गंदा मन, इससे जो ऊपर उठ गया, साहब कहते हैं उसकी उपासना करो, वो वही भगवान है। उपासना का अर्थ ही होता है, उपासना का अर्थ सेवा, उपासना का अर्थ भक्ति, और उपासना का अर्थ वास्तविक अर्थ क्या है, उपासना। उपासना में दो शब्द हैं, उपासना, उप का अर्थ होता है निकट, पास, आसना का अर्थ होता है बैठना, निकट बैठना उपासना है। आग के निकट बैठेंगे, आग मिलेगी, गर्मी मिलेगी, आग तापते हो, ये आपकी उपासना है। पानी के निकट बैठेंगे, शीतलता मिलेगी,
ऐसे ही ज्ञानी निर्मल जीवन जो संत हैं उनके निकट बैठना, उनकी संगति करना, उनके उपदेश सुनना, ये उपासना है। लेकिन ये बाहरी है। वस्तुतः गुरु संत का जो उपदेश है, ज्ञान है, उसके निकट अपने मन को बैठाना वास्तविक उपासना है। सीधी बात यह है कि गुरु और संत ने हमें जो उपदेश दिया है उस उपदेश का जीवन में आचरण करना वास्तविक उपासना है। और ऐसे उपासना करते करते हम भी वैसा ही हो जाएंगे जैसे हमारे गुरु हैं। जैसे गुरु भगवान हो गए हैं वैसे हम भी भगवान हो जाएंगे। चाहे को तो कोई भी व्यक्ति भगवान हो सकता है क्योंकि वो भगवान है, मूल रूप में भगवान है। हर आदमी भगवान भटक गया है स्वरूप के अज्ञान के कारण, नहीं समझ पा रहा है। अलग भगवान नहीं पाना है, पुकारना नहीं है, अंदर की भगवत्ता का उद्घाटन करना है। जैसे कहीं किसी चौराहे पर, किसी शहर के चौराहे पर किसी महापुरुष की मूर्ति स्थापित की जाती है, सारी व्यवस्था हो गई, चबूतरा बन गया, सब कुछ बन गया, मूर्ति रख दी गई, तो उसको एक काले कपड़े से या किसी कपड़े से ठीक से ढक दिया जाता है, बांध दिया जाता है। समय से किसी बड़े नेता को या किसी बड़े पुरुष को बुला करके उसका अनावरण करवाया जाता है। तो अनावरण करने के लिए जो नेता आया या बड़े पुरुष आया, क्या उसने मूर्ति को लाकर वहाँ बैठाया? मूर्ति तो वहाँ रखी हुई थी पहले से, ढकी हुई थी। जिस चीज ने, जिस कपड़े ने मूर्ति को ढक रखा था उसको उन्होंने हटा दिया, मूर्ति प्रकट हो गई। ऐसे ही भगवान हमारे भीतर है, अविद्या का पर्दा लगा है, उसको अनावृत कर देना है। बस पहले से बैठा हुआ है भगवान, पहले से स्थापित है, ढका हुआ है, वह लाकर बैठाना नहीं है, अनावृत करना नहीं है, उसका उद्घाटन करना है। किसे ढका हुआ है? विकारों से, वासनाओं से। अंदर जो विकार है, वासनाएं हैं, इनका उद्घाटन करना ही गुरु के असली उपासना है। इसलिए साहब कहते हैं, कर विचार विकार परिहरि तरण तारण सोए, कहीं कबीर भगवंत भजनर दुतिया और न कोए। निर्मल जीवन जो संत गुरुजन हैं, कहीं के हों किसी मत के हों, जो ज्ञानवान हैं, चरित्रवान हैं, वैराग्यवान हैं, वो असली भगवान, वो हमें तारने वाले हैं। नाना साहब भी यही बात कहते हैं, सुख दुख जीव पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान कह नानक, सुन रे मना सो मूरत भगवान। जो सुख और दुख से विचलित नहीं होता, यहाँ अर्थ है परसना, परसना का अर्थ है स्पर्श करना, छूना। जिसके मन को सुख प्रभावित नहीं करता, जिसके मन को दुख प्रभावित नहीं करता, सुख के अवसर आने पर जो हर्षायमान नहीं होता, दुख के अवसर आने पर जो शोकित नहीं होता, जो सुख और दुख, हर्ष और शोक दोनों से ऊपर उठकर समता में जी रहा है, एक रस निर्द्वंद जीवन जिसका हो गया है, लोभ मोह अभिमान, किसी के लिए लोभ नहीं रह गया है। लोभ निर्जीव पदार्थों का होता है, धन का लोभ, जमीन का लोभ, मकान का लोभ, पद का लोभ, प्रतिष्ठा का लोभ, लोभ निर्जीव पदार्थों का। जिसके मन में किसी के लिए लोभ नहीं है,
चीज है प्रयोग कर लेता है, ऊपर उठा हुआ है मन। मोह सजीव प्राणियों के लिए होता है, पत्नी के लिए, पति के लिए, पुत्र के लिए, भाई के लिए, गुरु के लिए, शिष्य के लिए, कोई हो, मित्र के लिए, जिन लोगों के बीच जीवन का व्यवहार होता है उनमें जो जो हमें अनुकूल जान पड़ते हैं उनके प्रति मोह होता है, लोभ निर्जीव पदार्थों के लिए, मोह सजीव प्राणियों के लिए, उनमें भी निकट जो मनुष्य हैं, अनुकूल हैं, जिनको अपना माना गया है, उनके लिए। जिसके मन में रंच मात्र के लिए भी लोभ नहीं है और किसी के लिए भी रंच मात्र मोह नहीं है, पूर्ण निर्लोभ और पूर्ण निर्मोह, पूर्ण संतुष्ट, पूर्ण अनासक्त और साथ साथ अभिमान, अभिमान नहीं है, किसी पद प्रतिष्ठा योग्यता से अपने को जोड़कर अपने को बड़ा नहीं मानता, सरल है, विनम्र है, निश्चल। ऐसा जो पुरुष है, सुख दुख से ऊपर, हर्ष शोक से ऊपर, हानि लाभ के द्वंद्व से रहित, समता में जीने वाला, निर्लोभ पूर्ण संतुष्ट, निर्मोह पूर्ण अनासक्त और निश्चल विनम्र सरल मन, अहंकार मुक्त मन, कह नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। नाना साहब कहते हैं, ऐ मन सुन, वह प्रत्यक्ष भगवान है। ऐसा भगवान कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और उसी के लिए ही तो ज्ञान विवेक भक्ति साधना की आवश्यकता है। भटकना कहीं नहीं है, हमें यह बात अच्छी तरह से समझ लेना होगा कि हमें बाहर से कुछ नहीं पाना है, बाहर से जो मिलेगा वो माया ही मिलेगी। अब माया का काम है आना जाना, माया का काम है दाग लगाना, दाग हम बहुत लगा चुके हैं ना, मोरी चुनरी में पड़ी गयो दाग पिया, ये कबीर साहब का भजन है। हर आदमी की चुनरी में, हर आदमी के जीवन रूपी चुनरी में दाग लगा है, दाग किसका है, विकारों का, मोह का, ममता का, अहंता का, इन्हीं दागों को जितने छुड़ा लिया, जिसका जीवन पूर्ण निर्मल हो गया, वो भगवान। और हम लोग जिसकी छत छाया में बैठे हुए हैं, जिन्हें हम अपना परम श्रद्धेय कहते हैं, परम इष्ट कहते हैं, सद्गुरु मानते हैं, उनका जरा ख्याल करें, हमारा मूल कौन, सद्गुरु कबीर, उनका जीवन देखें, बेदाग जीवन। इसीलिए उन्होंने कहा ना, डंके की चोट पर सो चादर सुरनर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली किनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यो क्यों तो धन्य सिंधनी चदरिया। ऐसे सद्गुरु के अनुयायी हम हैं और हमारे जीवन में दागे दाग, कहाँ हम कबीर साहब के भगत बन पाए, कहाँ उसकी उपासना कर रहे हैं, कहाँ उसकी पूजा कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण निर्दाग बना लिया, हम उतना नहीं कर सकते, तो जो दाग लगा है उसको तो छुड़ाने का काम करें, नया दाग और ना लगाएं। तो जिनका जीवन बेदाग वो भगवान, ऐसा ही होना है, आज नहीं तो कल, ऐसा हुए बिना दुखों से पूरा छुटकारा नहीं मिलने वाला है। तो भगवान व्यक्ति व्यक्ति भगवान है, नहीं जानता है अपनी भगवत्ता को, इसलिए बाहर भगवान पाने के लिए भटक रहा है। भटकना नहीं है, समझना है और अपने आप को निर्मल निर्विकार बनाकर कृतार्थ होना है, यही
करना है, इसी में करने में ही दुखों की पूरी निवृत्ति है। थोड़ी देर आप लोग एकाग्र होकर के बैठें।